भले ही इन दिनों देश प्रेम और देशद्रोही के मुद्दे पर बाजार गर्म हो, लेकिन गंभीर मुद्दों पर फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर प्रकाश झा ने इसे बड़ी कॉमेडी करार दिया है। उनका कहना है ये मुद्दा महज एक कॉमेडी है और कुछ नहीं। प्रकाश झा का कहना है कि देश में जब इंटॉलरेंस का मुद्दा ठंडा हुआ तो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र विरोधी होने को लेकर नया मुद्दा आ गया। जेएनयू विवाद पर 60 साल के डायरेक्टर प्रकाश झा ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश में जो चल रहा है वो बड़ी कॉमेडी है और इसे वो बड़ी कॉमेडी के तौर पर देखते हैं। देश में जहां इस कॉमेडी के पहले पूरी चर्चा टॉलरेंस इंटॉलरेंस को लेकर हो रही थी, अब राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र विरोधी की कॉमेडी आ गई है। ये ऐसा समाज है जो विचार और विचारधारा के मुद्दे से जूझता रहता है। I look at it as a huge comedy. You know, in our country, the whole debate about tolerance, intolerance, you know, and before this comedy act got over, there is now this comedy of national and anti-national, which is happening. You know, it's a society which is constantly churning. There are ideas, there are ideologies which are coming up, and we are still young as far as democracy is concerned. And so, it is nice, it is good that, you know, people talk about it, people come up with these ideas. And the way they are being used or the way they are being played around, you know, it's, I feel it's fantastic, you know, for me who observes, you know, for many people it is sad that such a thing is happening. But then when you realize that, you know, it is part of our life, like, you know, we are dealing with it every single day, you know, things have to be questioned, things have to be imposed, things have to be, you know, understood, things have to be like, you know, some... प्रकाश झा मानते हैं कि समाज में अलग अलग विचार और विचारधारा के लोग रहते हैं। ऐसे में समाज में विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन मुद्दों पर टकराव हो रहा है उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री में प्रकाश झा की छवि बिल्कुल अलग है। वो लीक से हटकर और सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाना पसंद करते हैं। फिलहाल प्रकाश झा जल्द ही अपनी आगामी फिल्म जय गंगा जल लेकर आने वाले हैं। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा अहम किरदार निभा रही हैं।